नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं दोपहर का दंगल। दोपहर के दंगल में हम बात करेंगे न्याय पर टेंशन की। ट्रस्ट पर टेंशन, जी हाँ, आपको बताते चले कि 9 नवंबर को मंदिर के पक्ष में फैसला आ गया था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि 3 महीने के अंदर ट्रस्ट बना दिया जाए और ट्रस्ट बना करके मंदिर की शुरुआत कर दी जाए। लेकिन अब 9 फरवरी का समय नज़दीक है, 3 महीने का समय दिया था, 9 फरवरी का समय नज़दीक है, अभी तक ट्रस्ट पूरी तरीके से बन नहीं पाया है और इस ट्रस्ट में अपने आप को शामिल कराने को लेकर के तमाम दावे और वादे किए जा रहे हैं और लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक दौड़ इसमें जारी है। वहीं अभी तक जो खबरें हमारे पास आ रही हैं उसके हिसाब से इस न्यास में कुल 40 लोगों के नाम आए हैं और 18 लोगों के नाम इसमें शामिल किए जा सकते हैं। वहीं सवाल खड़े ये हो रहे हैं कि जब पहले से ही 3 ट्रस्ट वहाँ पर मौजूद हैं तो बाकी अलग से ट्रस्ट की क्या ज़रूरत। इन्हीं 3 ट्रस्ट में से हर ट्रस्ट दावा कर रहा है कि उसके नेतृत्व में ये मंदिर बनना चाहिए क्योंकि उसने लंबे समय तक संघर्ष किया है। इन ट्रस्टों के अलावा बाकी साधु संतों ने भी, वृंदावन के संतों ने भी अपना दावा ठोक दिया है कि उनको भी इस ट्रस्ट में शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा निर्मोही अखाड़े को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एक सदस्य के रूप में इसमें शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन निर्मोही अखाड़ा कह रहा है कि नहीं, मुझे इसका मालिकाना हक चाहिए, यानी कि मुझे मंदिर बनाने का जो अध्यक्ष है वो पद चाहिए। इसके अलावा जो बाकी के 3 खड़े, जो 3 हमारे पहले ही न्यास हैं, ट्रस्ट हैं, उनका ये दावा है कि अगर जो नया ट्रस्ट बन रहा है तो उसमें से सचिव या अध्यक्ष का पद उनके पास आना चाहिए। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि रार आपस में बढ़ गई है, साधु संत आपस में बढ़ गए हैं और इसको लेकर के बहुत निचले स्तर तक लोग उतर आए हैं। कैसे अध्यक्ष का पद पाएं, कैसे सचिव का पद पाएं, इसको लेकर के जोड़ तोड़ लगातार जारी है। सवाल ये उठता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता साफ कर दिया मंदिर बनाने का तो अब ट्रस्ट पर टेंशन क्यों, क्यों नहीं बन पा रही आपसी सहमति, इस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम आपको रिपोर्ट दिखा देते हैं कि दरअसल 9 नवंबर को जब फैसला आया था और उसके बाद आज तक इसमें हुआ क्या है और आइंदा होने क्या जा रहा है, क्यों है इस ट्रस्ट पर रात, ये रिपोर्ट आपको इसके लिए जरूर देख लेनी चाहिए। दशकों के संघर्ष, आंदोलन और अदालत से अदालत चक्कर लगाने के बाद राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ और प्रक्रिया के तहत मंदिर निर्माण का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, जिसके लिए गृह मंत्रालय को ट्रस्ट बनाने के लिए निर्देशित किया। लेकिन ट्रस्ट बनाने से पहले ही कईयों के मन मयूर नाचने लगा और बहुतों का ध्यान मंदिर निर्माण से ज्यादा ट्रस्टियों की लिस्ट में खुद का नाम खोजने लगा। कई साधु संत एक दूसरे का नाम उछालते नजर आए तो खुद किसी दूसरे के नाम पर सवाल उठाते नजर आने लगे। ट्रस्ट पर टेंशन क्यों, ट्रस्ट गठन में सरकार बरत रही सतर्कता। करीब 1.5 महीना बीतने पर भी गठित नहीं हो पाया ट्रस्ट। 9 फरवरी से पहले होना है ट्रस्ट का गठन। विवाद या अड़चन से गृह मंत्रालय के सूत्रों का इनकार। किसी भी वक्त जारी हो सकती है ट्रस्ट गठन की अधिसूचना। शुभ मुहूर्त के इंतजार की भी कही जा रही है बात। कहा जा रहा है कि ट्रस्ट में कोई सियासी नुमाइंदा शामिल नहीं होगा, न ही सरकार अलग से फंड जारी करेगी, इसे आम लोगों के योगदान से बनाया जाएगा। लेकिन बात इतनी भी आसान नहीं है जितना दावा किया जा रहा है। 9 नवंबर को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से मंदिर के प्रस्तावित ट्रस्ट का हिस्सा बनने के लिए दावे प्रतिदावे होने लगे। अखाड़ा परिषद, विश्व हिंदू परिषद, राम जन्मभूमि न्यास से जुड़े लोगों ने अपने अपने दावे किए। इसमें ट्रस्टियों का संतुलन
बनाना बेहद जरूरी है ताकि राम के नाम पर राम भक्त ही रार ना कर बैठे। ट्रस्ट के प्रतिनिधित्व को लेकर अड़चन नजर आ रही है। कई नेताओं की तरफ से भी परोक्ष दावे हुए। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का नाम भी उछाला गया। गोरक्ष पीठ का महंत होने के नाते सीएम योगी का नाम भी सामने आया। सूत्रों के मुताबिक सरकार के पास 42 नाम, 8 से 18 नाम फाइल किए जा रहे हैं। सहमति के बाद गृह मंत्रालय अधिसूचना जारी करेगा। कहा जा रहा है ट्रस्ट के संरक्षण मंडल में कई नाम पदों से जुड़े होंगे, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, गृह सचिव। सूत्रों की माने तो इन सूची में केंद्रीय गृह मंत्रालय से 2, उत्तर प्रदेश सरकार से 3 नामों के अलावा अयोध्या के कई संत, वीएचपी के 2 और आरएसएस का 1 सदस्य ट्रस्ट में शामिल होगा। हालांकि आरएसएस की तरफ से प्रक्रिया से अलग रहने का दावा भी किया गया है। कुल मिलाकर ट्रस्ट को लेकर टेंशन बरकरार है और ये टेंशन ट्रस्ट में शामिल होने के इच्छुक लोगों की वजह से है। गृह मंत्रालय के सामने तालमेल बनाए रखने और विवाद न होने देने की चुनौती है। सवाल उठता है कि क्या ट्रस्ट पर जारी टेंशन अधिसूचना जारी होने के बाद खत्म हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। क्यों है ट्रस्ट पर टेंशन, क्यों नहीं बन पा रही आम सहमति, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में 3 खास मेहमान फिलहाल जुड़ चुके हैं और अब से कुछ देर बाद 2 और खास मेहमान जुड़ेंगे। जो हमारे साथ में मेहमान जुड़े हुए हैं उनका हम तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से यहाँ पर ब्रजेंद्र सिंह चौहान जी जुड़े हुए हैं, बीएचपी के पदाधिकारी हैं, और कानपुर स्टूडियो से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राघवेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं, और पीयूष सिंह भी जुड़ गए हैं बजरंग दल के। आप सभी लोगों का स्वागत है। ब्रजेंद्र सिंह जी या राघवेंद्र सिंह जी का रुख करेंगे। राघवेंद्र सिंह जी, आखिर क्यों नहीं बन पा रही है ट्रस्ट पर सहमति? हो जाएगी, जो थोड़ा बहुत विवाद है। हाँ, कुछ संस्था या कुछ व्यक्ति चाहते हैं ये जो कार सेवा है उसमें हमारी भी भूमिका रहे तो ये ठीक भी है। भगवान राम का काम है, हर व्यक्ति चाहता है इसमें हमारा भी एक ईंट लग जाए, तो इसमें कोई ऐसी विवाद वाली स्थिति नहीं है। प्रदीप जी, आदमी चाहता है, संस्था चाहती है कि इसमें मेरी भी कार सेवा हो, लेकिन इसमें जो जैसे ये आप बता रहे हैं कि इसमें विवाद है, विवाद जैसी कहीं कोई स्थिति नहीं है। समय के अंदर न्यास बन जाएगा, ट्रस्ट बन जाएगा और उसमें समय के अंदर ही ये राम जन्मभूमि का मंदिर का निर्माण हो जाएगा। ठीक है पीयूष सिंह जी, क्या इतना आसान है जितना आसान राघवेंद्र सिंह जी बता रहे हैं? केटीवी परिवार को मैं बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने एक पूरी रिपोर्ट अपनी दिखा भी दी है और उन्होंने चिंता भी किया है, मगर चिंता की कोई जरूरत नहीं है। आपने भी स्पष्ट किया है और सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पूर्ण निष्ठा है। 9 तारीख के पहले पहले सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी और बहुत सी चीजें स्पष्ट भी हो चुकी हैं। मूल एक है कि राम मंदिर इतना भव्य हो, इतना भव्य हो कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में एक उदाहरण बने, जिससे हमारे प्रभु आराध्य श्री राम जो इतने दिनों से टाट पर थे, वो आज उनको एक अपना स्वामित्व मिल रहा है, आज उनको एक अपना स्थान मिल रहा है। राम भक्तों की सिर्फ यही है ट्रस्ट, ये सरकार का विचार है। ट्रस्ट संस्थाओं का हो सकता है, मगर मेरा जो सभी कार्यकर्ताओं का सिर्फ एक ध्येय है कि राम मंदिर एक बनने जा रहा है, हम सब लोग 9 तारीख के पहले पहले सारी चीजें स्पष्ट होते देखेंगे। नहीं, ये तो ठीक है, अच्छी बात है कि राम मंदिर बनने जा रहा है, रास्ता साफ हो चुका है, 9 नवंबर को ही रास्ता साफ हो गया था, लेकिन जो रार बनी हुई है उसका क्या होगा? ब्रजेंद्र सिंह चौहान जी जी, क्या ये ठीक बात है कि हर आदमी चाहता है कि इस कार सेवा में उसका भी हाथ हो, उसके लिए उसकी भी एक ईंट लगे, लेकिन लगता नहीं कि हमारे हिसाब से मंदिर बने, हम अध्यक्ष हों इस न्यास के तो ज्यादा बेहतर तरीके, क्योंकि हमने ज्यादा संघर्ष किया है 1984 से जी, जब से राम जन्मभूमि का आंदोलन शुरू हुआ, तो हमारा जो राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का जो न्यास बना था वो सनातन के पूज्य धर्माचार्यों के, पूज्य संत महात्माओं के देखरेख में एक हमारा न्यास गठन हुआ जी। आज हमारे उन्हीं धर्माचार्यों ने, पूज्य संतों ने
जिसमें परम पूज्य शंकराचार्य माननीय वासुदेवानंद जी महाराज, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष माननीय नरेंद्र गिरी जी महाराज और हमारे राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष माननीय नृत्य गोपाल दास जी महाराज और न जाने अन्यान संत लोगों ने एक प्रस्ताव पारित किया था, एक मंदिर का ढांचा बनाया था जी। उनका ये कहना, हमारी न्यास का ये एक मानना है कि जिस जो मंदिर का जो ढांचा बना है, जो मंदिर का स्वरूप बनाया गया है, वो करोड़ों करोड़ों हिंदुओं के अंतर मन में, अंतर हृदय में व्याप्त है। भला उस मंदिर का जो ढांचा है उसी से मंदिर का निर्माण हो। हमें नहीं लगता है कि कोई भी गठन में कोई व्यवधान है, कोई विवाद है। ये भारत सरकार दो चार दिन में इसका निर्णय कर लेगी हमारे हिसाब से। और ये विश्व हिंदू परिषद भगवान राम का मंदिर जो है, ये हमारे राम जन्मभूमि न्यास के अगुवाई में ही बनने वाला है जी। परम पूज्य संतों के निर्देशानुसार, उनके आदेशानुसार जो ढांचा बनाया गया है, जो उसी के तहत मंदिर का निर्माण होने वाला है। ठीक है, देखिए राघवेंद्र जी, जी ब्रजेंद्र सिंह चौहान जी ने साफ कर दिया कि सबसे पुराना न्यास उनका है, ट्रस्ट उनका है। 1984 में बना था ट्रस्ट उनका, और मंदिर का ढांचा भी उन्होंने बना के तैयार कर दिया है जी। जो अध्यक्ष ही उनको मिलना चाहिए, उनके अध्यक्ष में बनना चाहिए। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है अध्यक्ष किसको मिलना चाहिए। ये जो ट्रस्ट बन रहा है उसमें सबको कोई ना कोई भूमिका मिलेगी, और निश्चित रूप से राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने इसको आगे बढ़ के काम किया है। और राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने इसमें लगभग जो काम चल रहा है उसमें 80% पत्थर चढ़ाते गए हैं, तो उसमें उसकी बहुत भूमिका है। 20% काम रह गया है मात्र, तो हमें ये लगता है कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इनकी भूमिका निश्चित रूप से सुनिश्चित है। और अन्य भी जो इकाइयां हैं, अन्य संस्थाएं हैं, अन्य व्यक्ति हैं, सबको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भूमिका मिलेगी निश्चित रूप से। मानिए बहुत जल्दी ही न्यास बन जाएगा और उसमें ट्रस्ट बन जाएगा, और बहुत जल्दी ही राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण समय के अंदर हो जाएगा और भव्य स्वरूप प्रदान किया जाएगा। राघवेंद्र सिंह जी, आपसे ताल्लुक इसलिए रखता है क्योंकि आप सरकार में है, आपकी सरकार है, और आपको निर्णय लेना है कि ट्रस्ट में कौन कौन रहेगा, कौन कौन नहीं रहेगा। ब्रजेंद्र सिंह चौहान जी का साफ कहना है कि हमको अध्यक्ष का पद चाहिए क्योंकि हम सबसे पुराने हैं, मंदिर निर्माण हमारी अध्यक्षता में बनना चाहिए, तो उनकी मांग स्वीकार क्यों नहीं की जा रही है? नहीं, निश्चित रूप से सम्मान किया जाएगा, इनकी भावनाओं का सम्मान किया जाएगा, और इनकी भूमिका सुनिश्चित है, इनकी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। नहीं, महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, महत्वपूर्ण भूमिका की बात तो आई है क्योंकि सबसे पुराने ट्रस्टी हैं, वो सबसे पुराना ट्रस्ट उनका है, लेकिन उनका दावा कि अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए उनको ट्रस्ट का। देखिए, अभी आगे आने वाले समय में क्या होता है, निश्चित रूप से उनकी मैंने अपनी बात पूरी कर दी और संक्षेप में बात पूरी कर दी है। अभी अध्यक्ष कौन बनाया जाएगा ये भविष्य के गर्भ में है। निश्चित रूप से इनकी जो है महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी और इनका सम्मान किया जाएगा जी। ठीक है, पीयूष सिंह जी, आप बजरंग दल से हैं, बजरंग दल ने काफी मेहनत किया है, इसमें काफी लंबी लड़ाई लड़ी है विनय कटियार जी ने, क्या लगता है कि आपकी उस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें? कतई नहीं है, हम सब परिवार ने, संतों के आशीर्वाद से विश्व हिंदू परिषद ने इस आंदोलन को उठाया, संतों ने आशीर्वाद दिया, उन्होंने मार्गदर्शन किया, उन्होंने प्रेरणा दी, विश्व हिंदू परिषद ने सिर्फ कार्य किया है। विश्व हिंदू परिषद की भूमिका कोई खारिज भी नहीं कर रहा है, ये बहुत सुखद चीज भी है और एक बहुत स्पष्ट चीज भी है। भारतीय जनता पार्टी हो या केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सभी का लगभग प्रतिनिधित्व होना तय है, ये आप सब लोग, हम सब लोग भी जानते हैं। महंत पूज्यवर नृत्य गोपाल दास जी की भूमिका में कोई तनिक भी संदेह किसी भी कार्यकर्ता को हो ही नहीं सकती है, तो नृत्य गोपाल दास जी महाराज जी का भी आशीर्वाद रहेगा, विश्व हिंदू परिषद को, विश्व हिंदू परिषद का भी तय है, और आने वाले समय में बहुत सी चीजें तय होंगी। नहीं नहीं, आप सब कुछ मान रहे हैं जी जी जी। नहीं नहीं, सुन लीजिए, आप सब चीज मान रहे हैं, ये भी मान रहे हैं कि सबसे पुराना ट्रस्ट है, महंत नृत्य गोपाल दास से लेकर के तमाम बड़े साधु संत इससे जुड़े रहे हैं, तो अध्यक्ष देने में दिक्कत क्या है? आप कह दीजिए कि हाँ अध्यक्ष इनको बना दिया जाए। अध्यक्ष का सवाल हो तो दिक्कत हो ना, कोई है ही नहीं, सवाल ही नहीं है, विषय नहीं है अध्यक्ष। नृत्य गोपाल दास जी ने क्या अध्यक्ष होने के लिए पूरा संघर्ष किया था क्या?
ब्रजेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि हमको अध्यक्ष बनाइए। नहीं 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 नहीं, ब्रजेंद्र ये नहीं कह रहे हैं, तय नहीं करेंगे। नहीं तो गोपाल दास जी के, ब्रजेंद्र सिंह जी ये नहीं कह रहे हैं, अध्यक्ष ही के अध्यक्ष छोटा शब्द है। नहीं तो गोपाल दास जी पूज्यवर नहीं तो गोपाल दास जी के लिए बहुत छोटा शब्द है। वो उन्होंने जो संघर्ष किया है, उन्होंने तमाम हिंदुओं के दे दीजिए अध्यक्ष जैसा छोटा पद ही मांग रहे हैं। हाँ, आप ही पसा रहा हूँ ब्रजेंद्र सिंह जी, खुद ब्रजेंद्र सिंह जी के मुंह से सुन लीजिए। और वो करें, अगर अध्यक्ष छोटा पद है तो हमको छोटा ही पद दे दीजिए। लेकिन इस बीच हम आपको एक और आ रहे ब्रजेंद्र सिंह जी आपके पास में आएंगे, जरूर आएंगे आपके पास में। लेकिन उससे पहले एक और आपको बताते चले, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, अनुराग शुक्ला, शिवसेना के प्रवक्ता है, तेज तर्रार नेता है, वो भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आपका भी स्वागत है अनुराग जी। और ब्रजेंद्र सिंह के पास जाएंगे, उसके बाद अनुराग जी आपके पास में। ब्रजेंद्र सिंह जी, आप अपनी मांग रख दी, वो करें कि अध्यक्ष तो छोटा पद है आपके लिए तो। नहीं नहीं, मैंने अध्यक्ष के लिए नहीं, प्रदीप जी आप मैंने अध्यक्ष के लिए कुछ नहीं कहा। हमने कहा कि हमारा जो केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल है जी, उस मंडल में हमारे संतों की अगुवाई में हम जो भी कार्य विश्व हिंदू परिषद, अगुवाई का मतलब क्या होता आप बता दीजिए, विश्व हिंदू परिषद जो भी कार्य करता है वो उस संतों के दिशा निर्देश पे काम करता है। आपकी भावना को आपने कहा मेरी अगुवाई में बने, अगुवाई का मतलब क्या होता है? आपका जब अध्यक्ष होगा तभी तो आपकी अगुवाई होगी ना। पूज्य संतों ने हमारे सोमवार को एक प्रस्ताव पारित किया है जी, हम उनके ही आदेशों का पालन करते हैं। उन्होंने ऐसा प्रस्ताव पारित किया है कि जो मंदिर का ढांचा बनाया गया है, जो हजारों करोड़ों करोड़ों हिंदू घरों में स्थापित है, जो कल्पना है कि अंतरकलह में अंतर मन में व्याप्त है मंदिर का ढांचा, उस मंदिर के ढांचे के स्वरूप को न बदला जाए, उसी स्वरूप का मंदिर का निर्माण हो और पौने 6 लाख गांवों में। भाई ब्रजेंद्र सिंह जी, आप एक बताइए, जब तक आप अध्यक्ष नहीं होंगे तब तक आप उस मंदिर का निर्माण कैसे करवाएंगे? तो जो भी अध्यक्ष होगा बदल देगा? नहीं नहीं, कोई नहीं बदलने वाला है, ना कोई बदलने वाला है। सारी सहमति से सारे धर्माचार्यों सारे संतों मुनियों के अगुवाई में होने वाला है, कहीं कुछ बदलने वाला नहीं है, ना कोई विवाद है इस पे, भी कोई विवाद नहीं है। ये तो हमें लगता है कि ये भी षड्यंत्र है कि ये कुछ विवाद है, ये विवाद, कोई विवाद नहीं है। ये सर्वसम्मत से भगवान राम का मंदिर, जो विश्व में एकलौता मंदिर, एक ऐसा भव्य मंदिर तैयार होने वाला है। हम लोग तो बहुत भाग्यवान है कि हम लोग अपनी नजरों से ऐसा देखने वाले हैं, भगवान राम को स्थापित हुए देखने को मिलने वाला है। और मानोगे नहीं प्रदीप जी, 76 युद्ध हुए हैं, 4 लाख हिंदुओं ने बलिदान दिया इस भगवान राम की जन्मभूमि के लिए। आपने अंग्रेजों से भी लड़ाई किया भाई, आपने तमाम लड़ाई किया है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट को आभार व्यक्त करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का जो ऐसा निर्णय दिया है, कहीं कोई विवाद नहीं है। भगवान राम का मंदिर उसी स्वरूप में बनेगा जो स्वरूप हम कई वर्षों से कैसे बनेगा चले आ रहे हैं। कैसे बनेगा आप बताइए, ट्रस्ट का अगर अध्यक्ष कोई दूसरा होगा तो कैसे बनेगा? अरे अध्यक्ष भी वही बनेगा जो उसी स्वरूप को मानेगा भाई, कोई दूसरा नहीं बनेगा। जो भी बनेगा वो इसी स्वरूप को मानने वाला है, इसी मंदिर को। जो चलिए मतलब दो झगड़े हैं, एक तो मंदिर का स्वरूप क्या हो, ट्रस्ट का अध्यक्ष कौन हो, दो चीजें आपने कर दी। हमारे साथ में और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका भी तारुफ कराएंगे। हमारे साथ मनमोहन अग्रवाल जो वरिष्ठ नेता भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। हम शुक्ला अनुराग जी के पास जाएंगे। अनुराग जी, ट्रस्ट को लेकर के जो ये रार आपस में दिखाई दे रही है, उसके विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं समझता हूं कि जैसा कि अभी मेरे भाई कह रहे थे, और ये केवल अंग्रेजों या छाछट लड़ाइयों को याद करने की बात नहीं है जी। इस मंदिर के भव्य रूप की कल्पना और हिंदुस्तान के अंदर राम जन्मभूमि पर उनका मंदिर होना चाहिए, इसकी लड़ाई शताब्दियों तक चली और पीढ़ियां की पीढ़ियां खप गई इसके अंदर। आज वो क्षण आया है और अवसर आया है, और मैं समझता हूं कि जब दोबारा से अयोध्या आंदोलन जिसको कहा जाता है 90 के बाद से जो भी चला, उसमें मैं समझता हूं कि पूरा हिंदुस्तान का एक एक आदमी, क्योंकि भगवान हर राम में है यहाँ का आदमी, और वो हर आदमी उसके अंदर इन्वॉल्व था, उसकी आस्था थी, उसका विश्वास था। कुछ लोगों ने थोड़ी अपनी अपने हिसाब से भूमिकाएं को अदा की, कुछ लोगों की महत्वपूर्ण भूमिकाएं रही, कुछ लोगों की भूमिकाएं महत्वपूर्ण रहने के बाद में भी नेपथ्य में उन्होंने काम किया। तो मैं समझता हूं यह एक ऐसा सुअवसर आया है, इसमें अध्यक्ष या कौन बनवाएगा से ज्यादा बड़ी बात, ये केवल कयासबाजियों की बात है, और इसमें समाज एकजुट रहेगा।
अच्छे ढंग से निर्माण होएगा। और कुछ लोगों का ये जरूर हो सकता है कि उत्साह हो सकता है, कुछ संगठनों की बात हो सकती है, किसी व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत बात हो सकती है कि नहीं भगवान श्री राम की मैं ज्यादा से ज्यादा सेवा करूं, एक होड़ जैसी लगी हुई है ना आदमी को अपनी सेवाएं देने के लिए, क्योंकि आज उसका सपना साकार हो रहा है। तो हो सकता है कि किसी की तरफ से ऐसी कोई एक बात आ भी जा रही हो, लेकिन मैं समझता हूं कि चीजों को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए एक अच्छे ट्रस्ट की आवश्यकता होगी, और ट्रस्ट में जो लोग भी आएंगे वो ठीक ढंग से चीजों को संचालित करते हुए भगवान श्री राम के मंदिर का भव्य निर्माण का रास्ता प्रशस्त करेंगे और हम सब लोग दर्शन कर पाएंगे। नहीं, ठीक बात, आप बिल्कुल ठीक करें। दुनिया चाहती है कि भगवान राम का मंदिर बने, क्योंकि भगवान राम कड़कड़ में व्याप्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ी गई, पूरे देश ने लड़ाई लड़ी, ये अच्छी बात है। लेकिन ट्रस्ट को लेकर के जिस तरह से राज बनी हुई है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं ना। मनमोहन जी का रुख करते, मनमोहन जी, मंदिर का रास्ता तो साफ हो गया लेकिन ट्रस्ट का रास्ता साफ होता नजर नहीं आ रहा है। नहीं देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक जो ऐसा विवाद चल रहा था जिसके बारे में ये कल्पना की जा रही थी कि कब आएगा फैसला, कैसे आएगा, क्या नहीं होगा, एक समय निर्धारित हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर निर्णय दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा है कि 8 फरवरी 2020 तक ट्रस्ट का निर्माण करे। अब जो देखिए, एक तरफ विश्व हिंदू परिषद, दूसरी तरफ है श्री राम जन्मभूमि न्यास जो महंत नृत्य गोपाल दास जी हैं, दूसरा विहिप के लोग हैं, ये सारे लोग इस अयोध्या आंदोलन, राम मंदिर आंदोलन को जो 80 से 90 के दशक में चला उसको लेकर के इन लोगों ने बेशक बहुत पूरे देश में मोबिलाइजेशन किया, भी थोड़ा सारे लोग उसी से जुड़े हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी उसमें है, मगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो भूमिका थी वो नेपथ्य से थी, मगर फ्रंट पर विश्व हिंदू परिषद था जी। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय केंद्र सरकार को दिया है तो केंद्र सरकार की ये बात है कि 8 फरवरी तक ट्रस्ट बनाए, मगर ये भी मेरी जो जानकारी है मैं ये कह सकता हूँ कि ट्रस्ट कोई निजी ट्रस्ट नहीं होगा जी। इसके अंदर बाकायदा भारत सरकार के नुमाइंदे भी होंगे और उसमें पदों के हिसाब से व्यक्तियों को बैठाया जाना चाहिए, बैठाया जाएगा, क्योंकि वो एक तरह से अर्ध सरकारी और सरकारी ट्रस्ट होगा। अब उसके अंदर क्या है कि प्रधानमंत्री भी उसमें ट्रस्टी हो सकते हैं, कार्यकारी अध्यक्ष कोई भी हो सकता है, मगर ट्रस्ट में प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं, नहीं प्रधानमंत्री केंद्रीय गृह मंत्री हो सकते हैं, राज्य का मुख्यमंत्री हो सकता है, प्रदेश का राज्यपाल हो सकता है, विश्व हिंदू परिषद के लोग हो सकते हैं, शंकराचार्य लोग हो सकते हैं, अभी ये शंकराचार्य सरस्वती जी की तरफ से भी प्रतिनिधि उन्होंने मांग किया है, कल भी उनकी बात आई है जी। इधर नृत्य गोपाल दास भी अपना दावा कर रहे हैं कि साहब हम राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष हैं और राम जन्मभूमि जो मुद्दा था वो हम लोग लेकर के चल रहे थे, हमको आना चाहिए। इसी तरह अयोध्या के तमाम संत उसमें शामिल होना चाहते, ये इस सबकी पीछे मंशा ये है कि वो इतना भव्य ट्रस्ट बनेगा, भव्य मंदिर निर्माण होना है जिसका दुनिया के अंदर जी राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनका भारत ही नहीं पूरी दुनिया में उनकी अपनी ये पहचान है और मर्यादा जो उन्होंने स्थापित की अपने जीवन में अपने कृत्यों से अपने कर्म से, उन मर्यादा इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम बने जी। इस नाते वो जो है वो ट्रस्ट 8 फरवरी तक बनाना सरकार की बाध्यता है जी। अब कहीं नहीं, नहीं बात आई है, एक मैं आपकी बात कर दूं, एक संत है उन्होंने ये भी कहा कि नहीं अब हम इसको लेकर के इसका फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ही करेगा कि कौन ट्रस्ट में होगा। सुप्रीम कोर्ट को एक वर्डिक्ट जो देना था उसने एक वर्डिक्ट दे दिया, अब सरकार की जिम्मेदारी है कि वो तय समय सीमा में इसको गठन करे। विश्व हिंदू परिषद के लोगों का कहना है कि साहब हमने सवा रुपया जोड़ा, तब हमने 8 करोड़ रुपया जोड़ा और हमने मंदिर का पत्थर हम फ्री में देने को तैयार हैं, हमारा मॉडल है जो रखा हुआ है, और बट नेचुरल है कि जो अयोध्या में मॉडल रखा हुआ है कारसेवकपुरम में, उसको देश दुनिया के लोग वहां जा रहे हैं और वो उसी आस्था के साथ जो भव्य मंदिर का निर्माण होने के बाद जो लोगों के अंदर आस्था आएगी वो उसको अभी से मंदिर के उस मॉडल को ही भगवान राम का मंदिर मानकर वो अपनी शिलाओं के प्रति नतमस्तक होकर के जा रहे हैं। सबकी उम्मीद है कि ट्रस्ट बन जाएगा और भव्य निर्माण, जैसे अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि हम 3 महीने में गगनचुंबी, मनमोहन जी ट्रस्ट तो बन जाएगा इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ट्रस्ट बनने को के बीच में जो रार है, जो आपने तमाम सारे संतों का नाम गिनाया उसमें कुछ और नाम जोड़ दे, वृंदावन के संत भी कर रहे कि नहीं हमको भी उसमें शामिल करना चाहिए, साधु निरंजन ज्योति भी करी उसमें वृंदावन के संतों को शामिल किया जाना चाहिए, शिवसेना ने कह दिया कि भाई हमारी भूमिका का भी ख्याल रखिए, थोड़ा मेंशन कर दिए, जो नहीं मांग रहे लेकिन मैंने बताया जरूर कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, और बाला साहब का एक विवाद भी काफी बयानों उसका विवादित
विषय रहा एक बयान भी कि अगर गिराया है तो हमारे शिवसैनिकों ने, तो मुझे गर्व है। हाँ। तो हम लोग तो इन भूमिकाओं में रहे, तो हम लोग तो राम भक्त हैं और राम की सेवा अच्छे ढंग से हो, बस इस बातों के लिए हम लोग का ज्यादा ध्यान है और उस भूमिका में। मैं अनुराग जी की बात पर बात कर रहा हूँ कि जो साध्वी रितंबरा कह रहे हैं, साध्वी रितंबरा इस अयोध्या जो विवादित ढांचा था, जिसको कोई बाबरी मस्जिद कहता है, कभी राम जन्मभूमि है, मगर मैं कहता हूं कि विवादित ढांचा था जो जो गिरा जी 6 दिसंबर 92 को, साध्वी रितंबरा उस मुकदमे की मतलब वो अभियुक्त हैं, कल्याण सिंह के साथ अभियुक्त हैं, तो उनका दावा, उनको कहना कि नहीं मुझे ट्रस्ट में शामिल हो, एक बार बन सकती है बात, बाकी दावे तो ट्रस्ट में शामिल हो। मैंने आपको कहा ना, चूंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर का ये भव्य मंदिर बनना है, उस ट्रस्ट में हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि इसी हो सकता है, उसके पीछे किसी का कोई मुकदमा, मुख्य मुकदमा है जिसके अंदर 13 लोग बनाए गए हैं, उसके अंदर शिवसेना के 4 नेता हैं, पवन पांडे जी से लेके सतीश प्रधान जी से लेके और एक हमारे यही उत्तर प्रदेश के और सहयोगी है संतोष दुबे जो फैजाबाद से है, वो उन मुख्य जो जिसके अंदर जोशी जी और उन लोगों को बनाया गया है उसके अंदर है। लेकिन हम लोग की एक सोच और बिल्कुल अप्रोच बिल्कुल बहुत ज्यादा दूसरी है। हम लोग का सोच ये है, अभी भी देखिए साहब, उद्धव साहब का बयान आया है कि सरकार के 100 दिन पूरे हो जाएंगे फिर हाँ। यहाँ पर दर्शन करने के लिए आएंगे हाँ। और हम लोग इस मतलब अपना दावा ठोकने के लिए यहाँ पर आएंगे 100 दिन बाद कि देखिए हमने कुर्बानी दी है और हमारा भी बड़ा श्रेय होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, श्रेय मांगने नहीं आएंगे हम लोग का तो एक ही चल रहा है। देखिए जब अभी सरकार या सुप्रीम कोर्ट के उसमें चला गया था, शिवसेना हमेशा से अपनी एक तय भूमिका को कहती रही कि कहीं पर आवश्यकता है लेकिन ये काम होना चाहिए, और वो माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा हस्त रहा कि ये सब हिंदुओं की आकांक्षाओं की प्रतिपूर्ति हुई और इसका निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया। हाँ, शिवसेना अपनी भूमिका में वहां पर आ सकती है कि कहीं पर भी कोई भी आवश्यकता, कोई भी संगठन, कोई भी ट्रस्ट महसूस करे तो हमारे शिवसैनिक वहां पर खड़े होकर मंदिर निर्माण में पूरा अपना योगदान देने को तैयार। इसमें राजनीति भी जरूरी होगी कि कौन बड़ा हिंदू है, आप कौन बड़ा हिंदू राष्ट्र संगठन है, ये भी जरूर देखना होगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का चला, छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आएंगे तो चर्चा जारी रखेंगे और उसमें समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार की तरफ से जो अब तक बातें कही जा रही हैं उसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय के 2, उत्तर प्रदेश के 3, जिसमें कि मुख्यमंत्री राज्यपाल नामित पद होंगे, यानी कि कोई भी जो भी मुख्यमंत्री होगा चाहे आज चाहे भविष्य में वो उसका एक सदस्य होगा, राज्यपाल होंगे, 3 यहाँ से होंगे। उसके अलावा अयोध्या के कई संत, बीएसपी के 2, आरएसएस का 1, इस तरह के 18 लोगों का एक पूरा ट्रस्ट बनने जा रहा है। लेकिन इसको लेकर के जो टेंशन नजर आ रही है उस पर हम चर्चा करें, चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा विराम। देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। बस सब ठीक से हो गया है, चलो हम सब घर चलते हैं। अरे पर डॉक्टर साहब ने तो रुकने को बोला था। कोई जरूरत नहीं, जल्दी चलो। देखा, गड़बड़ होने पर अस्पताल में तुरंत इलाज हो जाता है। प्रसव के बाद का 48 घंटा माँ और बच्चे के लिए सबसे जरूरी है, इसीलिए यहाँ 2 रात रुकना जरूरी है। माँ और बच्चे की जान को लेके चांस क्यों लेना, चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। माउंट लिटरेसी स्कूल नाउ नंबर 1 इन एकेडमिक्स, नंबर 1 इन स्पोर्ट्स, बेस्ट टीचर्स, बेस्ट रिजल्ट, स्मार्ट क्लासरूम, बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ माउंट लिटरेसी स्कूल उन्नाव। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम अब रुक करेंगे हमारे साथ राघवेंद्र सिंह जी जुड़े हुए। राघवेंद्र सिंह जी, तीन बड़े पहले से ही ट्रस्ट चल रहे हैं, उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ, आपको पता ही होगा। श्री राम जन्मभूमि न्यास जो 1985 में बीएचपी ने स्थापित किया था, जिनके ब्रजेंद्र सिंह चौहान जी यहाँ बैठे हुए, वो दावा करें सबसे पुराने हैं और उनका मॉडल भी तैयार है, उसी मॉडल पर बनना चाहिए। दूसरे दो और न्यास हैं, इन सब का अलग अलग दावा है कि हमारा अध्यक्ष या सचिव इसमें होना चाहिए, कैसे सामंजस्य बैठा लेंगे आप? देखिए, सामंजस्य जैसी कोई बात नहीं है प्रदीप जी, ये मान के चलिए हर चीज तय है और हर ये हर बात हर व्यक्ति जानता है जो हिंदू समाज से है। हिंदू समाज बहुत सहिष्णु कौम है और भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण होना है, इसमें तो डिस्प्यूट का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। जैसे आप सुई के नोक के बराबर डिस्प्यूट नहीं है, मान के चलिए जब ट्रस्ट घोषित होगा, ट्रस्ट घोषित होने के बाद एक मिनट भी राघवेंद्र सिंह जी सवाल सुन लीजिए, जो हम जिस भगवान राम के मंदिर की बात कर रहे हैं जो कड़कड़ पे व्याप्त है, उनके सामने भी चुनौतियां थी जी जी, सीता मैया को लेकर के सवाल उठाए गए थे उनके सामने, तो चुनौतियां उनके सामने भी थी, जिनका मंदिर बन रहा है चुनौतियां उनके सामने भी है जो मंदिर बनवाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। नहीं प्रदीप जी, बिल्कुल आप निश्चित मानिए, बिल्कुल आप शक ना करिए इस विषय में जो मैं कह रहा हूं, हर चीज तय है। निश्चित रूप से 9 तारीख को जब ये ट्रस्ट घोषित होगा, इसमें जरा सा डिस्प्यूट आपको नजर नहीं आएगा। कुछ लोगों का निश्चित लिखित रूप से ये नाम होगा, कुछ लोगों का मौखिक रूप से उसमें कार सेवा की जाएगी, कोई ऐसा विषय नहीं है भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण में जो डिस्प्यूट का विषय हो, कतई डिस्प्यूट नहीं होगा, बिल्कुल डिस्प्यूट नहीं है। हाँ लेकिन जी 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 ठीक ठीक है ठीक है, पीयूष सिंह जी अगर आपका नाम मौखिक रूप से आता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ना, बहुत सारे लोग तो पीछे से काम करते हैं। कदापि नहीं दिक्कत होगी, और किसी भी उस ट्रस्ट में जो भी 13 नाम होंगे या 18 नाम होंगे, जैसे अटकलें लग रही है 8 नाम होंगे, मेरा विचार है कि 11 से 13 नाम होने चाहिए, मगर आज की तारीख में उसमें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका ये ध्येय है कि मेरे को ट्रस्ट में ले लिया जाए, इसलिए वो राम मंदिर आंदोलन में लगा था, ऐसा कोई भी उस समय उसका ध्येय नहीं था, ना आज ध्येय है। ध्येय सिर्फ एक है कि भव्य राम मंदिर। हर व्यक्ति ने महंत नृत्य गोपाल दास जी ने जी जी अब आप महंत नृत्य गोपाल दास की बात कर रहे हैं, परमहंस दास ने उनके खिलाफ क्या टिप्पणी की थी पता है आपको, जिनको आप लोगों ने निकाल दिया? पूज्यवर संतों के लिए कोई किसी प्रकार की टिप्पणी करना मेरे संस्कार में या मेरे अधिकार में नहीं है, परंतु नृत्य गोपाल दास जी न्यास के अध्यक्ष थे, उस समय सभी पूज्यवर संतों ने बैठ के उस न्यास को इसलिए स्थापना की थी कि इस आंदोलन को एक केंद्र से लेके दूसरे केंद्र तक ले जाया जा सके, इसलिए उस न्यास का हमेशा रहा है सहयोग, आगे भी सहयोग रहेगा। और मैं कह रहा हूं कि उसमें इतने वरिष्ठ लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया है, आज वो जीवन के अंतिम पड़ाव में भी है, क्या वो आज की तारीख में ट्रस्ट में इज्जत करता हूं जी। सुन लीजिए, आपकी बिल्कुल आपने ठीक कहा और अच्छी बात है कि आप सब कह रहे हमारी सहमति होगी, लेकिन फिर ये रार क्यों बना हुआ है, क्यों अध्यक्ष पद और सचिव को लेकर के थनी हुई है? मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये महज एक अटकलें हैं, या हो सकता है कि लोगों में विचार होगा कि 3 महीने का होने वाले हैं, अभी तक क्यों नहीं हुआ, मगर मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं, मैं आश्वस्त भी हूं कि सब कुछ तय हो चुका है, क्योंकि 9 तारीख अंतिम दिन है, अंतिम दिवस है वो, या जो न्यास के अध्यक्ष कर रहे हैं या जो न्यास के लोग कर रहे हैं उन्हीं की बातें हैं, हम अपनी तरफ से नहीं कुछ जोड़ रहे। नहीं, 9 तारीख 3 महीने पूर्ण होने के 9 तारीख अंतिम दिवस है, इसलिए अंतिम समय में इसको घोषणा की जा रही है। ये सरकार का अधिकार है, या उसका विवेक है, हो सकता है कि हमारे आपके कहने से सरकार ये कार्य नहीं करेगी, उसने तय किया है कि मैं अंतिम दिनों में इसको घोषणा करूंगी, इसलिए उसने इतना समय लिया है। समय इसलिए नहीं लिया है कि टेस्ट नहीं बन पा रहा, समय इसलिए लिया है कि 3 महीने के अंतिम दिनों में पूरा समय सुप्रीम कोर्ट ने दिया 3 महीने का भाई जी जी, इसीलिए 9 तारीख के पहले पहले आपको हो जाएगा। टेस्ट का अध्यक्ष कौन होगा, टेस्ट का सचिव कौन होगा, तो वो उसी दिन तय होगा ना, ठीक करे वो तो हो ही जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसकी अवहेलना कौन कर सकता है। बिल्कुल, बात यहाँ पर उसकी नहीं है, बात अवधि की नहीं है, बात है कि उसका अध्यक्ष कौन होगा, उसका सचिव कौन होगा। ब्रजेंद्र सिंह चौहान जी, अगर आपका नाम, भाई आपने इतनी सैक्रिफाइस किया, थोड़ा और सैक्रिफाइस कर सकते हैं ना,
क्या हुआ अगर आपका नाम नेपथ्य में चला जाता है और लिखित में नहीं आता है, तो भी आपको सेवा तो करना चाहिए। नहीं, हमारा विश्व हिंदू परिषद का ये कुछ मानना है ही नहीं, ट्रस्ट में कौन अध्यक्ष होगा, कौन नहीं अध्यक्ष होगा, कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा। अरे भाई, आपके सारे जो प्रश्न में जो सारे लोग हैं वो कह रहे हैं, आज विश्व हिंदू का कोई विषय नहीं है, मान के चलिए। रामचंद्र भगवान राम का जो भाई आपके लीजिए, आपके जो अध्यक्ष है महंत नृत्य गोपाल दास जी, उन्होंने कहा कि मंदिर हमारी अध्यक्षता में बनना चाहिए, क्या आप उससे इनकार कर रहे हैं अपने अध्यक्ष? मैं इनकार करता हूँ, अगर नृत्य गोपाल दास जी ने ऐसा कहा है तो बिल्कुल वही होना चाहिए जो नृत्य गोपाल दास जी ने कहा है जी, क्योंकि हम केवल संतों के पूज्य संतों का जो आदेश होता है, पूज्य संतों का जो निर्णय होता है, विश्व हिंदू परिषद उस पर काम करती है जी। विश्व हिंदू परिषद का अपना कोई मूल मंत्र नहीं है, पूज्य संतों के तो भाई तो मैं कह रहा हूं ना, आपके अध्यक्ष गोपाल दास ने कहा, महाराज ने ऐसा कहा है तो विश्व हिंदू परिषद उनके आदेशों का पालन करेगी, और मैं पूरा प्रयास मेरा होगा विश्व हिंदू परिषद का कि भगवान राम का भव्य मंदिर इन्हीं के अध्यक्षता में बने, और बनना भी चाहिए, क्यों नहीं बनेगा जी। पौने छह मेरी बात सुनिए प्रदीप, पौने छह लाख गांव में शिला पूजन का कार्यक्रम इस राम जन्मभूमि न्यास के माध्यम के द्वारा हुआ है। अब तभी तो वो दावा ठोक रहे हैं ना कि हमने सवा छह लाख प्रदीप जी, ऐसा है ना, ऐसा है कि जब ये राम शिला मांगी जा रही थी, आंदोलन चल रहा था, तो न्यास नहीं विश्व हिंदू परिषद कर रहा था जी, तो नृत्य गोपाल दास जी का टेस्ट तो अलग था जी, तो वो तो घर घर में विश्व हिंदू परिषद मांग रहा था, और जो नेपथ्य से पीछे से जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसका काम कर रहा था, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कह दिया कि भाई हम भूमिका में नहीं रहेंगे नृत्य गोपाल दास जी एज ए न्यास के अध्यक्ष के नाते। तो मेरी हो सकता है कि सरकार कुछ इस तरह का रास्ता निकाले कि इन सारे जो प्रमुख दो चार पांच संत हैं या शंकराचार्य लोग हैं उनको शामिल करते हुए, मगर अभी स्वामी सरस्वती का क्या होगा, शंकराचार्य जो है वो अपना दावा ठोक रहे हैं। नहीं तो अभी सरस्वती जी ने कहा ना कि सारे शंकराचार्यों को शामिल कर लिया जाए, पांचों शंकराचार्य को शामिल कर लिया जाए, कितने लोग शामिल होंगे अगर चारों पांचों शंकराचार्य होंगे? नहीं, मगर जी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कोई वो तो नहीं दिया ना कि आप 10 का बनाइए, 13 का बनाइए, 18 का बनाइए, ये तो सरकार पे। अब जिस तरह से वो तिरुपति बालाजी का ट्रस्ट बना हुआ है उस पर ट्रस्ट भी बन सकता है, बनाने को तो सरकार को निर्णय लेना है किस तरह से ट्रस्ट को बनाना है। अब इसको लेकर के भी अभी तक तो हम झगड़ा कर रहे थे कि साहब हमारा ये जन्मभूमि हमको मिलनी चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, रामलला का स्थान है, रामलला का विराजमान है, इसका झगड़ा हो रहा था, जमीन का झगड़ा हो रहा था। अब जब ये एक स्थिति क्लियर हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दे दिया, तो ये मैं समझता हूँ कि ट्रस्ट में शामिल कौन हो कौन नहीं हो, इस सबके विवाद को भी जो भी सभी समझदार संत हैं, हमारे शंकराचार्य हैं, हमारे और भी लोग हैं, शिवसेना है, सबको अपने स्तर पर विश्वास करना चाहिए जी। पूरे विश्व का हिंदू जनमानस जिस तरफ आस्था से देख रहा है कब मंदिर का निर्माण शुरू हो, ये बहुत जल्दी आपको देखने को मिलने वाला है। ट्रस्ट भी गठित होगा, कोई विवाद नहीं है, कौन क्या कह रहा है इसको छोड़िए भाई, आपकी बात नहीं कर रहा, मैं आपके अध्यक्ष की बात कर रहा हूँ। आपके अध्यक्ष ने कहा कि हमारे नेतृत्व में बनना चाहिए, वो तो आपने कहा कि हमारे मॉडल पर बनना चाहिए, उसी मॉडल का बनेगा, उसका स्वरूप वही रहेगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में परिवर्तन भले हो सकता है, मॉडल का स्वरूप केंद्र और राज्य में जिस विचारधारा की सरकार है, विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, चाहे राम जन्मभूमि ट्रस्ट मतलब न्यास हो, ये और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये सब कहीं ना कहीं से एक दूसरे से परोक्ष तौर से या अप्रत्यक्ष सब जुड़े हुए हैं। कोई प्रधानमंत्री ऐसा ट्रस्ट नहीं बना देगा, आपकी बात ठीक है, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी तो एक ही तरह की पार्टी, एक ही तरह की पार्टी है, लेकिन आज तो अलग अलग है। नहीं नहीं, आपस में तो मनमुटाव होता है ना, देखिए आपस में मनमुटाव ये सिर्फ उसी समय तक है जी कि जब तक, अरे भाई सरकारें बदल जाती हैं, आज कांग्रेस के साथ में सरकार बनाने, ऐसा ना महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार बनाने के बाद आज भी वही बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, जो रोज संजय राउत जो है सावरकर को लेकर के रोज बयानबाजी कर रहे हैं, कांग्रेस हमला कर रहे हैं। मनमोहन जी, उद्धव ठाकरे
बड़ा हिंदू होने की बात कर रहे हैं, छोटा हिंदू होने की बात नहीं कर रहे हैं, कह रहे कि हम बड़ा हिंदू हैं। हाँ, हमने सारा पूरा वहां उठा दिया है। देखिए बड़ा ये बड़ा, जब प्रदीप जी बड़ा हिंदू वाली बात आपने किया, इसी बड़े और छोटे में तो महाराष्ट्र में सब गड़बड़ा गया। अरे गड़बड़ाने की बात अलग है। जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था तो नलिन से लेके बड़े बड़े इंजीनियर बड़े बड़े लोग थे और उसमें एक गिलहरी भी इन लोगों को दिखाई पड़ती थी, आती थी, दौड़ती थी, भागती थी राम के मंदिर निर्माण में भावना कहां कहां से लगी है, किस किस स्तर से लगी है। तो यहाँ श्रेय लेने की बात नहीं है, और बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि ये हमारे पूजनीय संतराचार्यों जितने भी हैं धर्माचार्यों का ये अंदर का उत्साह है कि अब ये राम मंदिर में भगवान की सेवा करने का अवसर आ रहा है, तो क्यों ना मैं ही अपने सब चीजों का अपने मुझे ये अवसर मिल जाए, या उनका एक उत्साह आ रहा है, मात्र इतने से समझिए। विवाद जैसी कहीं पर कोई बात नहीं, यही बात विवाद ना हो, लेकिन ट्रस्ट को लेकर के टेंशन है कि उसमें अध्यक्ष कौन होगा, सचिव कौन होगा। देखिए एक बात भी समझ लीजिए, अगर आपको स्थापित करना पड़ेगा तो ट्रस्ट की एक सीमित संख्या कहीं ना कहीं पर है, और उसमें हजारों लोगों का, इसमें तो कारसेवक मारे गए ना, गोलियां चली, लोगों की जाने तक भी गई, आज उनका भी परिवार खड़ा हो सकता है ना, बिल्कुल किस किस को समायोजित किया जाएगा। एक तरीके से बनेगा, और भव अभी देखिए कुछ बातों को मैं भी देख पा रहा था कि जो मंदिर का नक्शा था उसमें ये हुआ कि जो मंदिर की भव्यता है, हिंदू समाज जिस तरीके से आएगा, पूरे विश्व का नागरिक देखने के लिए आएगा इस स्थल को, उसके हिसाब से उसकी भव्यता और ज्यादा होनी चाहिए और गगनचुंबी होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ये पूरे इस विश्व के अंदर एक राम मंदिर बनेगा जो बिल्कुल अनूठा बनेगा, अलौकिक बनेगा और अपने पूरे भावों से परिपूर्ण बनेगा। एक चीज मेरी जानकारी है, आप लोगों की भी जानकारी होगी, जो अभी रामलला विराजमान के स्थान पर जो मंदिर का जो अभी तक जो मॉडल है और जो तय हुआ है उसमें यह है कि नीचे सिर्फ और सिर्फ रामलला की प्रतिमा ही विराजमान रहेगी, नीचे के भूतल पर और कुछ नहीं होगा। भूतल पे चूंकि वो रामलला का जन्म स्थान है इसलिए उस ट्रस्ट में एक बदलाव भी हुआ है उस मॉडल में, तो नीचे सिर्फ रामलला की प्रतिमा विराजमान होगी। तो इजाजत दे दी भाई ब्रजेंद्र सिंह जी ने, उसकी इजाजत दे दी, मॉडल वही रहना चाहिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बढ़ा दीजिए उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मॉडल वही होना चाहिए। तो मॉडल बदल रही है, ट्रस्ट जो भी बात तो अभी ट्रस्ट की हो रही है, मॉडल में कोई बात ही नहीं है कि मॉडल बदल रही है। वैसे भी हम लोग सर्वोत्तम की खोज करेंगे। हाँ, अभी अगर हमारे पास में उत्तम है तो हम सर्वोत्तम की खोज करेंगे। नहीं अनुराग जी, सर्वोत्तम का दावा यह है ना कि हमसे उत्तम कोई नहीं बना सकता, ये तो अब हम बनवाएं तभी तो सर्वोत्तम बनेगा ना। नहीं अब दूसरा बनवाएंगे तो सर्वोत्तम कैसे बनेगा। सबसे बहुत हृदय बड़े हैं, सबसे हृदय विशाल है, सब एक परिवार के लोग हैं। संतों की अगुवाई में ही मंदिर का निर्माण होने वाला है, 80% 75% पत्थरों का गढ़ाई का काम पूरा हो चुका है, शेष पूरा बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। अरे भाई बाबा ब्रजेंद्र सिंह जी, आप ये बताइए, आपने जो ढांचा खड़ा किया है, जो पत्थर गड़े हैं, उस और विश्व के जो हिंदू जनमानस यहाँ पर आएंगे उसके हिसाब से तो छोटा पड़ेगा, तो उसमें लंबाई करना पड़ेगा। ट्रस्ट निर्णय करेगी कि उसकी लंबाई चौड़ाई अगर बढ़ानी है तो बढ़ जाएगी, उसमें कोई राघवेंद्र करते राघवेंद्र सिंह जी बीएसपी कह रही है कि अध्यक्ष उनका होना चाहिए और मॉडल भी उन्हीं का होना चाहिए। देखिए इसमें कहीं कोई कुछ नहीं कह रहा, प्रदीप जी आप चाहे जितना घुमाने की कोशिश करें, हम लोग जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं इस विषय में एक है, अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण ऐतिहासिक होना चाहिए, भूतो ना भविष्यति, ना ऐसा कभी देखा गया ना आगे देखा जाएगा, और निश्चित रूप से मानिए ऐसे मंदिर का निर्माण होना है जो आगे न कभी ऐसा मंदिर तैयार होगा न इससे पहले तैयार किया गया, और निश्चित रूप से मानिए प्रदीप जी कोई कहीं डिस्प्यूट नहीं है, 9 तारीख के बाद आप देखिएगा, कोई आप रखिएगा डिबेट, फिर बैठेंगे, डिस्प्यूट नाम की सुई के नोक के बराबर कोई ऐसी चीज है ही नहीं। अरे जी प्रदीप जी, मैं डिस्प्यूट की बात ही नहीं कर रहा, मैं जो टेंशन की बात कर रहा, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल मस्त रहिए प्रदीप जी, विश्व का कतई टेंशन नहीं है प्रदीप जी, कतई टेंशन नहीं है। सवाल 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 नहीं नहीं कि सर्वोत्तम मंदिर बने, और सर्वोत्तम मंदिर बन सकता है हमारी अध्यक्षता में,
यही तो टेंशन है। कोई नहीं कह रहा हमारी अध्यक्षता में, हाँ उनकी भूमिका के बारे में कह, भाई क्यों नहीं, हम नहीं चाहते राघवेंद्र सिंह के आस्था की एक ईंट वहां लगे, राघवेंद्र सिंह भी चाहते हैं हमारी आस्था की एक ईंट वहां लगे, ये बहुत हमारी अध्यक्षता में बने, ऐसे कोई बात नहीं, कोई अध्यक्षता के कोई विषय ही नहीं है प्रदीप जी, कोई भी अभी जब ये भाई अध्यक्षीय व्यवस्था तो अध्यक्ष तो एक बनेगा, दस लोग चाहते हैं कि मेरी जो है आस्था की एक ईंट लगे उसमें मेरे नेतृत्व तो बने, लेकिन मारामारी है, कोई मारामारी नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए प्रदीप जी, भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण होना है, हमारी अध्यक्षता में बनना चाहिए, कोई नहीं कोई डिस्प्यूट नहीं, अरे प्रदीप जी सारे जी कोई डिस्प्यूट नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए प्रदीप जी, कोई भी रार नहीं है, किसी प्रकार की कोई शंका मत करिए, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल मस्त रहिए प्रदीप जी, कोई टेंशन नहीं है, 9 तारीख के बाद फिर बैठिएगा, कोई भी अगर एक सुई के नौ के बराबर भी हलचल हो जाए, इससे और बढ़िया क्या बात हो सकती है, निश्चित रूप से मानिए कोई हलचल नहीं होगी और भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण समय के अंदर हो जाएगा, नहीं है प्रदीप जी तो सारे लोग भरोसा करें केंद्र सरकार के ऊपर, भरोसा है, भरोसा है, निश्चित रूप से भरोसा है सब, कोई इसमें अपनी भूमिका को लेकर कोई शक नहीं है, स्वामी सरस्वती नंद जी भरोसा कहाँ कर रहे हैं, सरस्वती नहीं कर रहे तो आप ये नेत गोपाल दास भी तो नहीं कर रहे, नेत गोपाल दास नहीं कर रहे और वृंदावन के संत नहीं, और वृंदावन के संत भी नहीं कर रहे, तो भाई सरकार में भरोसा करें जी, सरकार तो नहीं, नहीं कोई रार नहीं है प्रदीप जी, मानिए हाँ अपनी भूमिका के लिए लोग निवेदन कर रहे हैं, अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लोग कह रहे हैं भाई मेरे नेतृत्व बनना चाहिए, मेरी भी भूमिका सुनिश्चित होनी चाहिए, इसमें खराबी क्या है, लेकिन अगर 9 तारीख के बाद कोई डिस्प्यूट होता है, सुई के नोक के बराबर भी अगर हलचल होती है तो आप बताइएगा, ये भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण का प्रश्न है, इसमें जैसे ट्रस्ट बनेगा उसके बाद सभी पहले की टेंशन है, सब अध्यक्ष बनना, कोई कोई कठिनाई नहीं है, ये लोग कह रहे हैं अपने अपनी आस्था की बात कर रहे हैं, अपनी आस्था को लेकर के जा रहे हैं केंद्र सरकार के पास, ये अच्छी बात है, अपनी आस्था को लेकर जो व्यक्ति जा रहा है केंद्र सरकार के पास बुरी बात नहीं है, दिक्कत ये है यहाँ आस्था का सवाल नहीं है, आस्था का ही सवाल है, इसके अलावा कोई भाई मंदिर निर्माण में कहां, अरे सुन लीजिए सवाल तो सुनिए सर, राघवेंद्र सर सवाल सुन लीजिए, आस्था तो सबकी है लेकिन किसकी आस्था सबसे ज्यादा गहरी है इस बात का टेंशन है, हमारी आस्था ज्यादा गहरी है बनस्पति आपके, इस बात का टेंशन है, नहीं अनुराग जी के पास चलते हैं, अनुराग जी आपने बहुत बड़ा बलिदान दिया यहाँ पर, शिवसेनाओं ने शिवसेना के सैनिकों ने इसमें ढांचा गिराने में बड़ा योगदान दिया, आप जी आपका क्या इसमें अब ट्रस्ट को लेकर के, वो हम लोग का ट्रस्ट या उन चीजों के संचालन से लेके कहीं पर भी नहीं रहा, और जब भी प्रयास रहा, जब मंदिर बनने में विलंब हो रहा था तब पिछली बार 24 नवंबर में भी जब उद्धव साहब यहाँ पर आए थे तो संत आचार्यों से मिले थे और सबसे बात रखी थी कि शिवसेना की कहीं पर भी आपको किसी भी मामले में जरूरत पड़ती हो, हम लोग केवल राम भक्त हैं और ये चाहते हैं कि वहां राम मंदिर का निर्माण हो, अब गेंद केंद्र सरकार के पाले में है, वो जो भी ट्रस्ट बनाएगी हम लोग विश्वास करते हैं कि वो सही ट्रस्ट बनाएगी, सही ढंग से काम होएगा और राम मंदिर का भव्य निर्माण, लेकिन कैसे आपकी तो राहें जुदा जुदा है, महाराष्ट्र में आपकी राहें जुदा हो गई हैं और अब आप आपकी पार्टी दावा कर रही है कि आप सबसे बड़े हिंदूवादी नेता हैं, नहीं नहीं ये दावा केवल दावा और कोई खोखला दावा भी नहीं करते हैं, जरूरत पड़ती है तो दिखा भी देते हैं, क्योंकि हमारे अभी भी झंडे का रंग केवल और केसरिया है, अभी भगवा और हरा मिला वाला रंग नहीं है शिवसेना का, नहीं नहीं ठीक है, हम इनकी भावनाओं की कदर करते हैं, इनके बड़प्पन को स्वीकार करते हैं, बड़े हिंदू ये मैं स्वीकार करता हूँ, खुले हृदय से स्वीकार करता हूँ, इसमें कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं है, वो बड़े वाले हिंदू है, बड़े हिंदू है मानते हैं, अगर वो कहते हैं हिंदू में कोई बड़ा छोटा ऐसा प्रदीप जी ऐसा विषय ही नहीं है, कहीं बहुत ही मैं नम्रता से कहना चाहता हूँ, इसमें कोई ऐसा डिस्प्यूट नहीं है, आप चाहे जितना कोशिश कर लें, डिस्प्यूट वाला विषय नहीं है, अगर अनुराग जी कहते हैं बड़े हिंदू है तो बड़े हिंदू है वो, कर रहा हूं मैं जी जी प्रदीप जी, अच्छा आप ये बता दीजिए वो यहाँ पर सरकार बनने के 100 दिन बाद यहाँ पर आ रहे हैं, हाँ हाँ। उनके क्या मानने निकाले जाए, अरे भगवान राम के प्रति आस्था है, उनके दर्शन करने आ रहे हैं, आना चाहिए उन्हें, बस बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, इससे आगे आप डिबेट में इस तरीके से आपस में बात करते हुए देखकर मुझे अच्छा लग रहा है जी, कि पर्दे के पीछे तो अध्यक्ष और सचिव को लेकर के मारामारी है और टीवी पर सब कह रहे हैं कि नहीं कोई मारामारी नहीं, बिजेंद्र सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, हाँ ये
बड़ा हिंदू छोटा हिंदू का कोई मतलब कोई ऐसी कोई बात ही नहीं है। सब नहीं, कट्टर हिंदू नहीं, हिंदू कई हिंदू होते हैं ना, कट्टर हिंदू और सॉफ्ट हिंदू, जैसे राहुल गांधी सॉफ्ट हिंदू है, राहुल गांधी तो सीजरल हिंदू है, प्रदीप जी राहुल गांधी तो सीजरल हिंदू है, उनका उनको हिंदू मत हिंदू नहीं मानता हूँ, वो सीजरा ले लेते हुए राहुल गांधी हिंदू कतई नहीं हो सकते हैं। राहुल गांधी हिंदू नहीं है ना, सवाल ही नहीं उठता। राहुल गांधी भी कुछ कह रहे हैं, हिंदुओं से उनका कुछ लेना देना नहीं है। राहुल गांधी हिंदू नहीं है भाई, है हिंदू, सीजरल हिंदू है, जब मौका मिलता है जनेऊ पहन लेते हैं, कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं। अरे तो कितने प्रकार के हिंदू है जरा बता दीजिए मुझे, राहुल सॉफ्ट हिंदू, राहुल हिंदू नहीं है, और बजरंग दल कट्टर हिंदू, और बीजेपी सॉफ्ट हिंदू, बीजेपी हिंदुत्व के धर्मधारी, ये कितने प्रकार के हिंदू हैं। और सुन लीजिए, सपा के हिंदू अलग हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है प्रदीप जी, सपा के हिंदू अलग नहीं है, सब हिंदू समाज संपूर्ण एक समाज है। अरे वो मुस्लिमों के साथ मिल जाते हैं ना तो वो अलग हो जाते हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है प्रदीप जी, हिंदू समाज एक समाज है, आप डिस्प्यूट मत पैदा करिए प्रदीप जी, भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण समय भीतर हो जाएगा और उसकी भव्यता को हिंदू होने का प्रमाण आपको खुद ही मालूम हो जाएगा कि कैसे हिंदू है वो। अरे कैसे आप, इसका मतलब जो सारे हिंदू सीए का विरोध कर रहे हैं वो हिंदू नहीं है? कहां कोई हिंदू का विरोध नहीं कर रहा है, अरे तमाम हिंदू उसमें जा रहे भाई। अखिलेश सुन लीजिए, दो चार राजनीतिक पार्टियां केवल अपना वोट बैंक बढ़ाने के चक्कर में, अखिलेश को आप क्या कहेंगे? सुन लीजिए ब्रजेंद्र सिंह जी, अखिलेश को आप क्या कहेंगे? अब अखिलेश को दुनिया समाज कह रहा है, राहुल को क्या कहेंगे और ममता बनर्जी को क्या कहेंगे? समझ रहा है अखिलेश यादव का क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी अखिलेश यादव हिंदू नहीं है? नहीं नहीं अखिलेश यादव हिंदू नहीं है, हिंदू है भाई, बिल्कुल हिंदू है, हिंदू है तो विरोध कर रहे सीए का। आप जो हिंदुओं का विरोधी है वो हिंदू किस प्रकार से होने के नाते, वो तो हिंदू बताएगा ना उनको, जो आज हिंदुओं का विरोधी है समाज उसको तय करे ना। हिंदू मुझे हिंदू कोई प्रकार के नहीं होते, हिंदू सिर्फ हिंदू होते हैं और हिंदू सिर्फ हिंदू होते हैं, तो ना नरम होते हैं ना गरम होते हैं, इन सब बातों का कोई विवाद का विषय नहीं है। नहीं और हिंदू समाज के अंदर ब्रजेंद्र सिंह जी कह रहे हैं, आपने कहा सीए की बात, और मैं यहाँ पे बात और भगवा पे मैं बात को स्पष्ट कर दूं, मैंने एक कहा था कि शिवसेना का रंग केवल केसरिया है और केसरिया का रंग शुरुआत से ही त्याग तपस्या और बलिदान का रंग माना जाता है, हमारे झंडे में मिलावट नहीं आई थी, मैंने इसलिए उस आपके झंडे में मिलावट नहीं, दूसरे के झंडे में मिलावट है क्या, भाजपा के झंडे में मिलावट है क्या? अब ये मेरा ऐसा कोई आरोप नहीं है, किसी ने तो मैं कर रहा हूँ, मैंने आपने बड़े और छोटे हिंदुत्व और उसकी बात करी थी, मैंने बताया था त्याग बलिदान की बात आएगी, आप शिवसेना हिंदुत्व के लिए हमेशा वो आप ही की बात का जवाब ले रहा हूँ। ब्रजेंद्र सिंह जी मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि क्या राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं सीए का, प्रियंका विरोध कर रही तो, और उसके अलावा अखिलेश ममता बनर्जी तमाम नेता विरोध कर रहे हैं, वो हिंदू नहीं है क्या? बात हिंदू हिंदू का विरोध करने वाला हिंदू हिंदू को कैसे हिंदू माना जाए बताइए आप, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ वो हिंदू नहीं है। नहीं हिंदू है लेकिन वो कैसे हिंदू है ये तो उन्हीं से पूछा जा सकता है कि आप कैसे हिंदू हो। मनमोहन जी वो कैसे हिंदू है भाई, जो धर्म के जो धर्म जो बात आपने कही सीए को लेकर के, हम लोग बात कर रहे थे ट्रस्ट का टेंशन और वहां से बात थोड़ा आगे बढ़ी हिंदू और उस पर, तो जो सीए की बात आई है वो चूंकि एक्चुअली में जो उसमें बात सीए की नहीं है, बात हिंदू की है। नहीं देखिए प्रदीप जी, राजनीतिक दल जब अपनी जैसी स्वेच्छा इच्छा होती है उस हिसाब से चीजों को अपने हिसाब से मोल्ड करते हैं जी। वो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे ममता बनर्जी तृणमूल हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, वो राजनीतिक दल अपनी अपनी जरूरत और अपनी सुविधा अनुसार चीजों को, चाहे वो मुस्लिम
उसमें बदल दे, चाहे हिंदू में बदल दे, चाहे किसी को कुछ भी कह ले, वो अपनी सुविधा अनुसार धर्म का विस्तार हो। राहुल गांधी जी हिंदू नहीं है, उद्धव जी की तरफ से उनको न्योता गया है, आइए चलिए अयोध्या दर्शन साथ साथ करते हैं। मतलब नहीं, आप धर्म का विस्तार हो, बाकी मुझे आप सिर्फ दर्शन करेंगे या मंदिर निर्माण में बड़ा योगदान? क्या कहा, अभी बात चल रही थी राहुल गांधी हिंदू है कि नहीं, और मैं समझता हूँ कि धर्म का विस्तार हो। उद्धव साहब ने राहुल गांधी जी धर्म का बोला कि आइए चलिए साथ में अयोध्या मंदिर दर्शन करने चले, और अयोध्या मंदिर दर्शन करने वाला व्यक्ति समय समय समाप्त हो चुका है। पीयूष सिंह जी, आपका आखिरी आपका आखिरी कमेंट कि क्या ये जो लोग विरोध कर रहे हैं वो हिंदू है कि नहीं है? अखिलेश, ममता बनर्जी, राहुल, ये सब हिंदू है कि नहीं है? यदि हिंदू हो और हिंदुओं की मान बिंदुओं की चिंता करे, यदि वो अपने आप को हिंदू मानते हैं, तो हमें लगता है कि हिंदू उनका होना स्वीकार करेगा। हिंदू समाज, हिंदुओं के मान बिंदु, यदि आज दलित समाज जो कि सीए के माध्यम से हमारे देश में आ रहा है या ऑलरेडी आ चुका है, किसी भी नए आदमी को आने के लिए नहीं अनुमति है, जो आ चुका है, यदि उनके लिए किसी सरकार ने एक कदम बढ़ाया और एक ही हिंदू दूसरे हिंदुओं का विरोध कर रहा है, तो कैसे जायज माना जाएगा? हिंदू होना विषय नहीं है, हिंदू होता क्या है ये बड़ा विषय है। आज हमको विषय ये मानना पड़ेगा कि हिंदू मान बिंदु जो आज तक कहीं ना कहीं विरोध कर रहा है, नहीं नहीं विरोध इसीलिए ना, तो क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, कैसा हिंदू है वो? भाई इसे विषय तो यही आ रहा है कि क्यों कर रहा है, ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई है? क्या उनको कोई लोभ है क्या? आज कहीं ना कहीं वो फंसे हुए हैं, मजबूरी आ गई है, आज उनकी मजबूरियां हैं जी, उनको आज अपने ही समाज या अपने ही कौम के लोगों के खिलाफ खड़ा होना पड़ रहा है। ऐसी क्या मजबूरी है? मजबूरी की आज उनकी सत्ता नहीं है, छटपटा रहे हैं। शुक्रिया, छटपटा रहे हैं। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। तो ट्रस्ट को लेकर के टेंशन जारी है, लेकिन फिलहाल हम चलते चलते आपको बता देते हैं कि कुल 18 सदस्यों का ये ट्रस्ट होने जा रहा है। 11 से 18 लोगों का एक ट्रस्ट होगा, जिसमें 3 केंद्र के कर्मचारी होंगे, 3 गृह मंत्रालय के होंगे और 2 होंगे, माफ करिएगा, और 3 उत्तर प्रदेश में, जिसमें मुख्यमंत्री और राज्यपाल नामित होंगे, और उसके अलावा एक गृह सचिव भी होंगे। इसके अलावा अब ट्रस्ट में अध्यक्ष कौन हो, सचिव कौन हो, इसको लेकर के अभी तक टेंशन जारी है। ये टेंशन 9 तारीख तक रहेगी, 8 तारीख तक रहेगी। 9 तारीख का डेडलाइन है कि उस दिन केंद्र की सरकार ये तय कर दे कि ट्रस्ट कौन सा होगा और उसमें कौन कौन से लोग होंगे। क्या स्वामी सरस्वती नंद भी उस ट्रस्ट में कहीं पर होंगे? आरएसएस का क्या रोल होगा? वृंदावन के जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनका क्या होगा? तमाम जो साधु संत अलग अलग उठा रहे हैं उनका क्या होगा? ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।